ग्वालियर नगर निगम के पीएचई विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ के स्टाफ ने पहले 71 फर्जी खाते खोले और फिर उनमें 16 करोड़ 42 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। इसके बाद इसके भुगतान की राशि निकाल ली गई, लेकिन हैरान करने वाला यह मामला घोटाला उस वक्त उजागर हुआ जब स्टेट सर्विलांस की टीम ने खातों की जाँच की। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले की रकम तकरीबन 50 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। इस घोटाले में मुख्य आरोपी हीरालाल और उसके रिश्तेदार राहुल के अलावा 74 अन्य लोग और अधिकारी और खातेदारों के नाम भी बताए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पीएचई मामले में हम लोग की विवेचना चल रही है, उसमें जो है कि एसआईटी भी गठित की गई है, जिसमें हमने सीएसपी शियाज उनके साथ में टीम उनकी पूरी लगाई है और उनको सबको ये टास्क दिया है कि इसमें जो अकाउंट होल्डर्स की जो जानकारी मिली है अभी हमको एक जांच कमेटी के द्वारा, उन सबको एक एक को वेरीफाई करके उनका किस तरह से अकाउंट खुला और कैसे उसमें पैसे गए और पैसे फाइनली किसने निकाले और उनका क्या आपस का कनेक्शन क्या है और फाइनल उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसमें कुछ जानकारी ऐसे भी मिली थी कि आरोपी जो है उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैश वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। जो क्राइम प्रोसीड्स होगा उसको अटैच करने की कार्रवाइयाँ भी कराएंगे।